हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल गल्फ इन्फो टीवी न्यूज़ में। दोस्तों, ओमान से एक खबर आ रही है जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, खबर कर्फ्यू के हवाले से है और कुछ टाइमिंग वगैरह भी है। दोस्तों, शनिवार से ये अपने कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए घटाकर शाम को 9 बजे से 5 बजे के बीच में कर देगा। वजह शाम 7 से 6 बजे के बीच दक्षिण में डफर शासन का पूर्ण लॉकडाउन अगली सूचना तक बनाए रखा जाएगा। दोस्तों, ओमान ने शनिवार को मुस्लिम ईद अल अधा अवकाश के दौरान नए कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 25 जुलाई को लगाए गए प्रांतों के बीच यात्रा पर एक घरेलू प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। राज्य समाचार एजेंसी ONA ने बुधवार को कहा, शनिवार से ये अपने कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए घटाकर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे कर देगा। बजाय शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे दक्षिण में डफर प्रांत का पूर्ण लॉकडाउन अगले नोटिस तक की जाएगी। मार्च में कुछ क्षेत्रों जैसे मस्कट, डफर, डुकम और कुछ पर्यटक शहरों में तालाबंदी शुरू की गई। अप्रैल के बाद से इसमें धीरे धीरे वाणिज्यिक केंद्रों को फिर से खोलने और कुछ लॉकडाउन उठाने की अनुमति दी है, लेकिन जून के दौरान संक्रमण की संख्या बढ़ने के बाद लंबी ईद की छुट्टी के लिए इसने कड़े कदम उठाए हैं। तो दोस्तों, ये थी ओमान से आ रही कुछ ताज़ा लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आप तक शेयर करी। दोस्तों, ओमान की पल पल की खबर पाने के लिए आप मेरे चैनल गल्फ इन्फो टीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगा इंशाल्लाह।